नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं जो नई वीडियो लाऊंगा वो FCPS के रिगार्डिंग लाऊंगा। तो जैसे कि मैंने देखा आपको CPS के रिगार्डिंग आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई हैं उसके रिगार्डिंग। तो यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि FCPS में क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज आपके रिकॉग्नाइज कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से नॉन रिकॉग्नाइज कोर्स हैं, कितने साल का होता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी आपका समझेंगे। तो अगर आपने अब ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि FCPS का फुल फॉर्म क्या होता है। FCPS का फुल फॉर्म आपका फेलो ऑफ कॉलेज फिजिशियन एंड सर्जरी होता है। ये कोर्स आपका 3 साल का होता है। ये कोर्स आपका इक्विवेलेंट होता है MD MS के, क्योंकि ये 3 साल का इसलिए वो MD MS के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम चीज़ बात करते हैं कि जो आपका CPS के रिगार्डिंग मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो आपका 2 साल का होता था, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लोमा कोर्स है इसलिए वो MD MS के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको FCPS में कि ये जो कोर्स है वो आपका MD MS के इक्वल होता है। तो अगर बच्चा चाहते हो आप लोग इसमें एडमिशन लेना तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी सहायता करेंगे आपकी काउंसलिंग कंडक्ट कराने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जैसे कि मैंने CPS में बताया था कि उसमें भी नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, नॉन क्वालिफाई बहुत एडमिशन ले सकते हैं। तो सेम चीज़ इधर भी है कि अगर आप जो क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और नॉन क्वालिफाई भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आ जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि CPS में मैंने बताया था कि बच्चे सारे ब्रांचें कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी MCI से रिकॉग्नाइज ब्रांच रहती हैं वो सिर्फ क्वालिफाई क्या कह लीजिए वो सारी ब्रांचें कर पाते हैं और जो नॉन रिकॉग्नाइज होती है वही सिर्फ नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कर पाते हैं, ठीक है। सेम केस FCPS के साथ भी है कि जो बच्चा आपका क्वालिफाई है वो तो सारी ब्रांचें कर लेगा, ठीक है, बट जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांच ही कर पाता है FCPS में, ठीक है। तो यही वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचें आपकी रिकॉग्नाइज है MCI से एंड कौन कौन सी आपकी नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच है। अगर नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच करते हैं तो क्या क्या आपको पाबंदियां लग जाती हैं, क्या क्या बाउंड्रीज हो जाती हैं आपके लिए, तो यही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कि अगर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो वो भी अपना, जैसे कि CPS में मैंने बताया था कि अपने सिलेक्टेड स्टेट्स में ही प्रैक्टिस कर पाएगा, तो सेम केस यहाँ पर भी है। अगर आप FCPS कर रहे हैं और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आप गिन के सिर्फ 8 स्टेट्स में प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर आ ही रहे होंगे आपके 8 स्टेट, ठीक है। मैं बता देता हूं आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। सिर्फ बच्चे इन्हीं स्टेट में प्रैक्टिस कर पाते हैं जो अगर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो आपका FCPS या CPS कंडक्ट करते हैं नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए रिकॉग्नाइज ब्रांच और नॉन रिकॉग्नाइज में अंतर क्या होता है। रिकॉग्नाइज में ये अंतर होता है कि बच्चा MCI से रिकॉग्नाइज ब्रांच से अगर लेता है तो वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, वो इंडिविजुअली ब्रांच, ठीक है। रिकॉग्नाइज ब्रांच जो आपको MCI अप्रूव्ड करती है, अगर जो नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच लेता है तो वो लिमिटेड स्टेट्स में ही अपनी स्टडी परस्यू कर पाता है, जो कि मैंने आपको स्टेट बता दिए हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है आपका रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके स्टेट्स के बारे में बता दिया, अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है आपकी रिकॉग्नाइज ब्रांच है FCPS में। CPS में मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं CPS के रिगार्डिंग। तो FCPS में जो रिकॉग्नाइज ब्रांचें होती हैं वो आपकी मेडिसिन होती है, पैथोलॉजी होती है, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, मिडगाइनी, ऑप्थोमोलॉजी। तो ये 6 ब्रांचें आपकी रिकॉग्नाइज होती हैं थ्रू MCI। तो जो जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो इन ब्रांचों में अपना एडमिशन ले पाते हैं और अपनी स्टडी परस्यू कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है ये 3 साल का कोर्स है तो वो इक्विवेलेंट आपके MD MS के होता है, ठीक है। इसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जो भी स्टडी होती है, ठीक है, वो अधिकतर आपकी प्रैक्टिस से कराई जाती है। थियोरिटिकल बहुत 10% होता है, 90% आपका प्रैक्टिस होती है एंड 10% आपका थियोरिटिकल होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो FCPS करिए रिगार्डिंग MD MS, मैं ये कहूँगा, एक अपनी तरफ से एक सजेशन रखना चाहूँगा। तो एक प्लस पॉइंट है आपका FCPS के लिए, क्योंकि इसकी फीस भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, रिगार्डिंग MD MS। और अगर आप MD MS करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करवा देंगे MD MS में भी एडमिशन रिगार्डिंग करवाने में, चाहे आप कोई भी ब्रांच लेना चाहें। अगर आपके पास बजट है उस हिसाब का तो हम आपको कोई भी ब्रांच दिला देंगे
अच्छे स्कोर, अगर थोड़ा बहुत स्कोर में भी इधर उधर होगा तो भी हम आपका हेल्प करवा देंगे आपका एडिशन प्रोवाइड करवाने में। तो मैंने तो आपको ब्रांच के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी रिकॉग्नाइज ब्रांच है आपकी सीपीएस एफसीपीएस में। नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आई गई होगी, आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी अनरिकॉग्नाइज ब्रांचें अवेलेबल हैं नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो सब आपका एफसीपीएस के बारे में चीज़ें रही। तो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबल क्राइटेरिया हैं। जैसे कि सीपीएस में होता है सेम वही एलिजिबल क्राइटेरिया इसमें भी होता है। ठीक है, आपका एमबीबीएस में 50% होने चाहिए एंड आप नीट मैंडेटरी आपका होना चाहिए। क्वालिफाई हैं तो आप रिकॉग्नाइज ब्रांच ले लेते हैं, अगर नॉन क्वालिफाई हैं तो आप नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच ले पाते हैं। तो ये चीज़ रही पूरी आपकी एफसीपीएस के बारे में। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर हम डीएनबी में एडमिशन लेना चाहते हैं आपका सीपीएस या एफसीपीएस करने के बाद तो क्या कुछ कंसेशन हमको मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप सीपीएस करके आप डीएनबी में जाते हैं तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है डीएनबी में। ठीक है, और अगर आप एफसीपीएस करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपका थर्ड ईयर में एडमिशन होता है डीएनबी के। समझ, तो ये चीज़ है कि आप डीएनबी में कैसे आप जा सकते हैं अगर आप सीपीएस करें हो या एफसीपीएस करें हो। तो ये चीज़ मैंने पूरी आपको बता दी है। एंड अब हम अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा होगा यहाँ पर भी आपकी मेरिट कोटा और नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू फीस जाती है, फीस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेरिट में वही आपके जो मुंबई वाले लोग हैं जो महाराष्ट्र वाले हैं उनके लिए मेरिट कोटा होता है, या फिर बच्चा आपका महाराष्ट्र से एमबीबीएस किया हो तो वो बच्चा मेरिट कोटा के अंदर आता है तो उसको मेरिट कोटा वाली फीस देनी पड़ती है। और जो नॉन अदर स्टेट के बच्चे हैं यूपी बिहार कर्नाटका अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल कोटा वाली फीस पे करनी पड़ती है, वो अब इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू एडमिशन होता है उनका। तो जितने भी कॉलेजेस हैं आपके प्राइवेट वो आपको महाराष्ट्र में मिलते हैं सीपीएस या एफसीपीएस के। ठीक है, और जितने भी अगर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाते हैं, अदर स्टेट में भी आपको सिर्फ गवर्नमेंट में ही मिलता है सीपीएस और एफसीपीएस का कोर्स, कोई भी अदर हॉस्पिटल नहीं कराता है प्राइवेट आपके अदर स्टेट में। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट करना है सीपीएस या एफसीपीएस तो आपको महाराष्ट्र में ही आना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा एफसीपीएस के बारे में बता दिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एफसीपीएस में या सीपीएस में तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं।